क्या हो गया? Hey all, welcome back to my YouTube channel. You are watching me on my channel Ruby Wong, and this is Dona Sarkar. So namaste sabko. हेयर्स काफ़ी लंबा हो गया, देख काटने का मन भी नहीं करता रहा, इतना सुंदर है मेरा जो मतलब मेरा जो बॉडी फीचर्स है ना सब कुछ मतलब अप टू डाउन जो भी आप देख सकते हो अप टू डाउन एवरीथिंग अप टू डाउन जो भी है सबसे ज़्यादा प्यारा मेरा हेयर्स ही है मेरे लिए जो कि मैंने कलर भी किया था. मेरे को मन था ब्लू करने का पर देन मैंने किया रेड जो अभी चला गया और मेरा चूल बहुत ज़्यादा लंबा हो गया. काटने का मन करता है बिकॉज बहुत स्टाइलिश लगता है अगर काट लेते हैं तो, मतलब शॉर्ट है बहुत स्टाइलिश लगता है हमें. एक लाइक तो ज़रूर बनता है फॉर दिस लंबा चूल गाइस. आप देख सकते हो कि फ्लिपकार्ट वाला बंदा जो आया है वो मेरे को लगा कि यहाँ पे आके इतना हॉर्न बजा रहा है ना, मेरे को लगा कि मेरा पार्सल आ गया. वो यहाँ पे आके चिल्ला रहा है, सबको बोल रहा है, पूछ रहा है फ्लिपकार्ट से पास पार्सल आया क्या किसी को. अभी हंस रहे को बंदा हंस रहे. This is Morom. One. Two. This is pocha. This is also pocha. This is and these are not good. ये सब नहीं चाहिए मेरे को. कैसा दिन आ गया है, क्या क्या करना पड़ रहा है, आज मैंने सही से नहीं बांधा होगा ना क्या भैया? नहीं बांधा ना इस राम बिकॉज मैं आई एम प्रोफेशनल नहीं हूँ. प्रोफेशनल नहीं हूँ ना तो इसलिए भैया आके फिर से वापस से आके इसको ठीक करके गया. दिस इज द तरीका जैसे केला बांधा जाता है. एक मेरा है और एक तुम्हारा है, ये ले लो ले लो ले लो. एक एक तुम्हारा और एक मेरा, ठीक है. राइट नाउ आई एम इन दिस ब्यूटीफुल रास्ता. ये आप देख सकते हैं इतना मजेदार रास्ता है, इतना सुंदर रास्ता है ना. इधर में दो बंदे हैं, वो लोग रील्स वगैरह कुछ कुछ बना रहे हैं, आई डोंट नो. और ये आप रास्ता देखो ना, इतना सुंदर है. बारिश के बाद ना और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया, इतना सुंदर. और चारों तरफ मेरे चारों तरफ इतना नेचर ही नेचर, ग्रीनरी एवरीवेयर ग्रीनरी. ये रास्ता आकाशगंगा या फिर डिपू ऐसे जाता है और जो उधर से और एक रास्ता होकर जाता है ये जंगल का उधर उस साइड में अपोजिट साइड में, वो है बूढ़ीगंगा का रास्ता जहाँ पे मैं बहुत बार जा चुकी हूँ. बूढ़ीगंगा जाते जाते मैं थक चुकी हूँ, पक चुकी हूँ, फिर भी जाके अच्छा लगता है. पानी एंड नेचर इज ऑलवेज यस फॉर मी. अगर आपके लिए भी यस फॉर यू देन कमेंट में जरूर यस एक टाइप कर दो. आप हाथी देख सकते हो, हाथी देख लो, इतना सामने से हाथी देखने को मिल रहा है. ओह माय गॉड, मेरे को हाथी देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है, एकदम सही लगता है. तो अभी मैं चलाती हूँ ग्लैमर. मेरा शक्ति को हो क्या गया है, कुछ भी उठा नहीं पाती हूँ बाइक. ये बाइकर बनूंगी मैं, ये बाइकर. गाइस ये एक गियर में लगा देती हूँ, अब मैं जाती हूँ. ओके ला
बारिश के बाद डंपर आ रहा है। डंपर इज वेरी डेंजरस यू गाइस, ये सबको मालूम ही है। और डंपर से मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता है। डंपर से एक बार मेरे भैया का बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो गया था। थैंकफुली भैया का कुछ नहीं हुआ। मैं अभी चला रही हूँ 40 के स्पीड में, ज्यादा स्पीड नहीं चला सकती, 2 गियर में चला रही हूँ। मेरे को बहुत डर लगता है 3 में चलाना। और अब रास्ता देखो, रास्ता दिखाओ, इतना खूबसूरत रास्ता है। ओ माय गॉड, और ऐसे सांप की तरह रास्ता, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ओ माय गॉड, इतना खूबसूरत है। और ज्यादा इंसान भी नहीं है, ज्यादा गाय बकरी भी नहीं है, और ज्यादा गाड़ियां भी नहीं है। ऐसे बांध लो, बांध लो। वाओ, लुक एट द नजारा। ओ माय गॉड, इतना सुंदर, हर तरफ इतना ग्रीनरी। इतना तो मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैं इस वाला ग्लैमर से नहीं गिरने वाली हूँ। इतना तो कॉन्फिडेंस है मेरे को खुद पे। गाइस, दिस इज टोबो का डिपो रोड। अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैंने आपको बता दिया। हमारे आसाम में भी इतना सुंदरता ही सुंदरता। आसाम इज फुल ऑफ ग्रीनरी और खूबसूरती। गाइस, आपको अगर आप आसाम में रहते हो ना, तो आपको बाहर जाने का कोई जरूरत ही नहीं है। आसाम में आपको सुकून मिलेगा। देख लो, देख लो।